आसपास के लोग तो पूछने लग ही जाते हैं कि आप अभी यूपीएससी हो गया तो क्या कर रहे हो, क्योंकि कहाँ जॉब कर आप रहे हो, कहाँ नहीं जॉब कर कर रहे रहे हो। हो, आपके घर वालों से अगर आपके पड़ोस वालों को ज़्यादा चिंता होती है आपकी, अगर आप गलती से आपके मुंह में खून लग गया शेर के मुंह में, तो आपने लगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट तो कर ही लिया, तो कुछ अपने से करके देखते हैं जाके, तो आपके पास उन्होंने कैगल बताया था कि कैगल भी जाके देखो, तो वहाँ उन्होंने इतना गैप ईयर पे फोकस नहीं था, लेकिन उनका फोकस था मेरे बैकग्राउंड के ऊपर, उनको ये बिलीव दिलाना कि मैं दोबारा डोमेन चेंज नहीं करूँगा। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ मोहित हैं जो अपनी काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने पहले बीएससी करा, एमएससी करा, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करी 3-4 साल, एंड देन अब वो आईटी सेक्टर में स्विच कर चुके हैं। आप जो जो चीज़ें कहते हो ना यार कि मैं आईटी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मेरा गैप ईयर है, अब मैं कैसे आईटी डोमेन में जाऊँ, हर उस चीज़ का आंसर आज मोहित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हाय मोहित, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। हेलो अंशिका। मैं बढ़िया हूँ यार। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आपने क्या चीज़ें करी हैं। मैंने बेसिकली मैं हरियाणा हरियाणा से पहले इतना रहता हूँ छोटी। एजुकेशन में मैंने बीएससी करी थी सिंपल मेडिकल से, लाइक बोटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट से करी थी। उसके बाद लाइक अदर ऑप्शन क्या होता है, बीएससी का आप एमएससी की ओर जाओगे तो आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल गया एडमिशन, वहाँ पे एमएससी करी। वहाँ पे बेसिकली रिसर्च में जाना था बचपन से, ताकि एक बार रिसर्च करके देखेंगे कुछ मेडिसिन बनाएंगे कुछ, तो बाई चांस वहाँ ऑप्शन ही मिल गया कि कैंसर के ऊपर काम करने का मौका मिला। वहाँ एक प्रोसेस रिसर्च प्रोसेस में गया। उसके बाद थोड़ा लगा कि चलो मतलब बेसिकली नॉर्थ इंडियंस में हमेशा ये रहता है कि चलो कुछ यूपीएससी भी करके देखते हैं, चलो यहाँ तक तो कर लिया, एक बड़ा कुछ करके देखेंगे, तो यूपीएससी में गए वहाँ पर। तो यूपीएससी में जाने का मतलब ये था कि यूपीएससी में आप स्टार्टिंग में गया, एक साल कोचिंग ली, कुछ सीखा, मतलब लगा कि हाँ ये तो आ रहा है, कर सकते हैं। तो 2-3 साल यूपीएससी ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको करने लगो तो आपको लगता है कि हाँ हो ही जाएगी। सही बात। तो 2 साल दिए, लेकिन जो मिस एक दो नंबर से हल्का सा मिस करा था वो तो थोड़ा सा और अफीम की तरह होता है कि नहीं नहीं तो अभी तो हो ही जाएगा, थोड़ा सा तो दूर है। या लेकिन प्री की बात कर रहे हो, प्री हाँ में दो प्री तीन नंबर से में मिस हो रहा था। ठीक है, उसके दोस्त भी था, उसके उसका मेंस भी हो गया था, उसको लगा कि चलो हो ही जाएगा, बराबर ही लेवल, इतना कुछ है नहीं। लेकिन तभी कोविड आया तो घर चले गए, तो कोविड तो काफ़ी लोगों के अलग सी चीज़ थी, क्योंकि उसने आपको थोड़ा बोला कि शांत होकर बैठो, सोचो तुम करना क्या भी हो, क्योंकि आप उसका काफ़ी खाली टाइम था, क्योंकि उस समय कोई एग्ज़ाम भी नहीं थे, कुछ नहीं था, आप चुपचाप बैठे थे बस। हम सोचा कि एज चली गई है, क्या यूपीएससी अभी भी ऑप्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि आसपास के लोग तो पूछने लग ही जाते हैं कि आप अभी यूपीएससी हो गया तो क्या कर रहे हो, क्योंकि कहाँ जॉब कर रहे हो, कहाँ नहीं जॉब कर कर रहे रहे हो। हो, आपके घर वालों से आपके पड़ोस वालों को ज़्यादा चिंता होती है आपकी। सही बात है। तो उसके बाद देखा कि अच्छा क्या है, और ये था कि रिसर्च हमेशा था ही कि दिमाग में क्या है रिसर्च में कुछ करना, तो बेसिक चीज़ है कि क्या दोबारा जाए फिर से पीएचडी करने के लिए, तो बेसिक हाँ चीज़ है कि आप एमएससी कर रखी है आप तो पीएचडी करने जाओगे, टीचर बनने जाओगे, तो लेकिन नहीं, पीएचडी में सोचा कि अब 5 साल और देने पड़ेंगे फिर उसके लिए। पहले घर वाले बोल रहे हैं कि एज हो रही है 5 साल और देंगे, क्योंकि और दिक्कत यह कि समझाना बड़ा मुश्किल है लोगों की, पीएचडी कर रहे हैं वो कह रहे अच्छा अभी नौकरी नहीं हाँ करेंगे 5 साल। राइट 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 तो राइट उसी बीच क्योंकि तो मैंने डेटा साइंस की, क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, मैं करंट अफेयर पढ़ते थे कि उसमें अलग स्पेशल आईटी में तो हमें क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हैं, देख रहे अच्छा क्रिप्टोग्राफी है, डेटा साइंस है, और ये बिग डेटा की बात चल रही है, मतलब कितनी कूल चीज़ है, लोग कर भी रहे हैं तो कितना मज़ा आता हो करने में, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट भी, क्योंकि हम पॉलिसीज पढ़ते ही साथ ये भी होता है, तो गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है बिग डेटा के ऊपर, हम इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, हम डेटा साइंस की फील्ड में इतना पैसा लगाने वाले हैं, तो लगा कि अच्छा कुछ तो होगा इस फील्ड में, क्योंकि रिसर्च का साइंस तो पता ही था हमको, साइंस क्या है, डेटा हमने पहले से हैंडल कर रहेगा बिग डेटा, क्योंकि हम जेनेटिक्स साइड से आते हैं, तो सबसे पहला बिग डेटा आया ही जेनेटिक्स के अंदर था, तो भी पता था कि अच्छा इतना बड़ा डेटा तो था ही पड़ा है किसके अंदर, तो उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ है। तो वहाँ पे उस समय पता चला कि अरे ये तो डेटा साइंटिस्ट है, चलो तो मन के अंदर एक पुरानी आस भी जाग उठी है, साइंटिस्ट चलो उस तरह नहीं तो इस तरह ही बन जाते हैं साइंटिस्ट। ये काफ़ी सही है कि आप यहाँ से फिर डेटा, उस वक्त आपको ये चीज़ नहीं लगी मोहित की, जैसे आपने आपको ये था दिमाग में कि जॉब ही करना है तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ, लेट्स से यूपीएससी नहीं, मैं एसएससी सीजीएल कर लूँ या बैंक या रेलवे और किसी जॉब की तैयारी कर लूँ। हाँ मेरे साथ ये था कि यूपीएससी में आने के बाद आपको ये होता है कि अरे बाकी सब जॉब आपके लिए छोटी सी हो जाती है, आपको लगता है अरे यहाँ आ गया उसके बाद वहाँ कहीं और जा नहीं सकते। और ये भी था कि मेरे साथ ये था कि हमेशा रिसर्च एक बैकग्राउंड में, यूपीएससी में इसलिए आया था कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि आप जो चाहते हो कि रिसर्च में आप किस लिए आते हो, बचपन से आप सोच रहे हो रिसर्च में ये इफेक्ट देख सको आप ओवरऑल लोगों पर, कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो चलो इसमें किसी का इम्पैक्ट आएगा।
तो यूपीएससी भी वो आपको इम्पैक्ट देता है थोड़ा सा, कि जाओगे आप देखोगे मैं कुछ कर सकता हूँ, देखो आप पर किसी ने वो नहीं किया तो मैं ये करके दिखाऊंगा। तो डेटा साइंस मेरे लिए उसी तरह की फील्ड होगी, मतलब कि आप कुछ कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट लेके आओगे या कोई आप ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप कर दो, किसी की हेल्प रियल है, जैसे फार्मर्स है सोमल से, अगर आप क्रॉप कर रहे हो आप उसकी ये हेल्प कर दो कि कौन सा फर्टिलाइजर कितना डालना है और कितना करना है, उसकी क्रॉप बढ़ सकती है, तो रियल इम्पैक्ट ही है वो तरह का। वो साइंस भी है और आप यूपीएससी में जाके भी वही करने वाले, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि और कोई गवर्नमेंट जॉब ये आपको वो अच्छी इम्पैक्ट चीज नहीं देती बताई। मेरे लगता है कि, तो हर किसी का अपना अपना होता है। मैंने ये रास्ता पर आ गया दिमाग में, ये करना ही है, पागलपन भी होता है कई बार। सही बात। आपका बीएससी में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, लाइक जब अचानक से आप यहाँ सोच रहे थे डेटा साइंटिस्ट, ये बहुत ही डिफरेंट फील्ड है एज कम्पेयर टू अभी तक आप जहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे थे, यूपीएससी की सोच रहे थे। तो कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट आपने कभी पहले पढ़ा हो या आउट ऑफ पैशन स्किल कभी सीखने की कोशिश की हो? हाँ, कंप्यूटर साइंस ऐसे फील्ड मैंने बीएससी में तो नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ हमने जो पढ़ा था वो केमिस्ट्री थी, बॉटनी थी, जूलॉजी थी, हमें पता था कि ये प्लांट्स होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, ये केमिस्ट्री से कंपाउंड बना सकते हैं। उस टाइम कंप्यूटर्स तो हमारा इतना यूज़ भी नहीं होता था, मतलब हाँ मैं कंप्यूटर यूज़ करता था वैसे नोट्स बनाने के लिए, मैं टेक से भी इंसान हूँ, मतलब हैंडबुक की जगह उस कंप्यूटर से नोट्स बना लिए, विकी बुक का यूज़ कर लिया। आज भी याद आई, मैंने उस टाइम कंप्यूटर तो उस टाइम आप असाइनमेंट्स बना नहीं सकते थे, आज तो चैट जीपीटी का जमाना है, मतलब आप डायरेक्टली अपना नोट मिल जाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम विकिलीक्स से यूज़ करके नोट्स बनाया गया था, मैं उसने जो मेन वो था डिपार्टमेंट हेड, उसने फाड़ के फेंक दिए थे नोट्स, बोला कि इंटरनेट वाले नोट्स यहाँ नहीं चलेंगे, बुक से बना के असाइनमेंट्स। तो कितना पॉपुलर था उस टाइम कंप्यूटर, सभी को पता होगा। उस टाइम आपका अपना जियो रिवोल्यूशन भी नहीं आया था कि इंटरनेट इतना जल्दी था, डेटा इतना हाई था कि आप कहीं बैठ के कुछ भी पढ़ लो, उस टाइम था कि आपको वहीं बैठ के ही करना है। तो उस टाइम तो कंप्यूटर मुश्किल था, उस टाइम सोचना भी कि आप कभी इस फील्ड में एंटर करोगे। तो मतलब आपका कंप्यूटर साइंस से ऐसा, मतलब आपने एज अ सब्जेक्ट इसको कभी नहीं पढ़ा, इट्स जस्ट दैट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आपको इंटरेस्ट लगा कि डेटा साइंटिस्ट आपके लिए शायद वो नेक्स्ट फील्ड हो सकता है। तो यार ये डेटा साइंटिस्ट की जो जर्नी आप बता रहे हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, कैसे आपने डिसाइड करा। अब थोड़ा सा बात करते हैं आपके आईटी, नॉन आईटी से आईटी में जाने का। तो यार सबसे पहले मोहित ये बताओ, नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड में जाना कितना डिफिकल्ट रहा है? आपको लगा कि नहीं यार ये तो मैंने ऐसे झट से कर लिया? क्योंकि नॉन आईटी से आईटी मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे लगा था कि मैं बायोलॉजी से डेटा साइंस में जा रहा हूँ, उस समय पता नहीं था डेटा साइंस आईटी फील्ड है नॉन आईटी, क्योंकि आईटी और नॉन आईटी तो ही पता लगता है जब उसमें एंटर करते हो, लोग आपको बोलते हो कि आप नॉन आईटी से हो, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ साइंस था कि हाँ ये भी साइंस है, कर ही लेंगे दोबारा देख लेंगे, लेकिन आसान नहीं था क्योंकि आपको इसमें अलग तरीके की टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट करती है हर जगह, जैसे बायोलॉजी में अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, कंप्यूटर साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके अलग बेसिक्स होते हैं, तो कम से कम आपको सीखना तो पड़ेगा ही। तो मैं अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहा हूँ और बेसिक मुझे ना, मुझे अभी लैंग्वेज का पता है ना सीक्वल डेटाबेस का पता है, तो मजाक होगा, लेकिन हाँ इजी नहीं था, लेकिन कम से कम ये था कि यार कोशिश तो करते हैं, इतना एमएससी तक कर लिया, यूपीएससी की तैयारी कर ली, ये भी कर ही लेंगे, क्या जा रहा है, मज़ा आता रहा पढ़ने में। तो मैं बैठ गया पढ़ने, अब सीक्वल पढ़ने बैठा हूँ तो मैं पढ़ ही जा रहा हूँ सीक्वल, थोड़ी देर तक ये सीक्वल, अच्छा सीक्वल में ये डॉक्यूमेंट। तो मोहित ये तो चलो बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, लाइक आपने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, कैसे डिसाइड किया कि मुझे अब डेटा साइंटिस्ट इस तरीके से बनना है और मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा? हाँ, क्योंकि डेटा साइंस, हाँ बेसिकली डेटा साइंस जानने की जर्नी बड़ी अजीब सी थी मेरी, क्योंकि स्टार्टिंग मुझे पता था तो था नहीं डेटा साइंस, ये पता था कि डेटा साइंस है क्या, ये देखा था ठीक कि है। इसमें आपको पाइथन चाहिए, सीक्वल चाहिए और आपको थोड़ा ईडीए करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स मुझे लगा कि चलो वो तो हो ही जाएगा, पहले से पढ़ ही रखा है मैंने, लेकिन पाइथन कहाँ से पढ़ना है, सीक्वल कहाँ से पढ़ना है, पहले तो उनका मीनिंग पता लगाना है कि मतलब सीक्वल है क्या, पाइथन से अलग ही क्यों, पहले बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता था, तो थोड़ा सर्च किया गूगल के ऊपर थोड़े दिन, तो मतलब कि ये पाइथन ये होती है, सीक्वल ये होती है, थोड़ा बेसिक आइडिया का चाहिए क्या क्या डाटा साइंस बनने के लिए, आपको करने क्या वाले हो, मतलब मशीन लर्निंग है यहाँ पे, डीप लर्निंग है, ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद मैं ऐसा एक्सप्लोर करा था, तो दो तीन इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे था, ये ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि आप पहली चीज़ क्या करोगे यूट्यूब पर जाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि कहाँ मुझे, पहले से प्लान था कि स्ट्रक्चर वे में जाना है मेरे को, लेकिन कौन दे रहा है स्ट्रक्चर वे वहाँ पे, तो मैंने देखा कि उसमें एक दो इंस्टीट्यूट्स में गया, लेकिन कईयों में इस तरह ये था कि आपको 1 ईयर का प्रोग्राम था, तो कोई एमएससी पूरा मास्टर डिग्री दे रहे थे आपको, तो मुझे लगा कि मास्टर डिग्री बहुत पहले से एक डिग्री है तो और क्या करना डिग्री, तो जॉब मिलने होगी तो बिना डिग्री की भी मिल ही जाएगी इस फील्ड में, क्योंकि सुना था काफ़ी कि अब क्योंकि इंडिया से बाहर तो मिल ही जाती है और मास्टर्स तो है ही पड़ी पहले से, तो
तो इसीलिए फिर मैंने ओडिन का देखा, तो एक्सप्लोर करा था इसलिए यूट्यूब पे का 2-3 इंस्टीट्यूट के नाम आए, उसमें ओडिन इंस्टीट्यूट का भी नाम आया था एक, तो बस एक्सप्लोर करते उनकी साइट पे देखा कि अच्छा ये चीज़ इनको ये पढ़ा रहे हैं, इस तरह के टीचर हैं और इस बैकग्राउंड से बेसिकली सब कुछ PhDs करके आ रहे हैं, कुछ आउटसाइड इंडिया है, कुछ अपने आप में मशीन लर्निंग इंजीनियर भी है और कुछ वर्क भी कर रहे हैं ऑलरेडी कंपनी में। तो आपको क्या चाहिए चीज़ पहले से चाहिए होती है कि जो काम कर रहा हो उस कंपनी में, क्योंकि टीचर तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन जो खुद काम ना कर रहा हो तो आपको आइडिया दे ही नहीं सकता, और दूसरा वो बिलीव नहीं दे पाएगा कि आपका भी हो पाएगा। तो फिर कुछ उसमें कुछ और टेस्टिमोनियल्स भी देखे मैंने कि जो UPSC से आए थे गैप था उनका हुआ, कुछ और मेरे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से थे उनका भी हुआ, मैंने लगा कि अच्छा एक ट्राई तो देख सकते हैं क्या होगा। ओडिन में जो आपने कोर्स किया वो कितने ड्यूरेशन का था? ओडिन में मेरा कोर्स बेसिकली 6 ड्यूरेशन का था पूरा कोर्स वर्क, उसके बाद जो उनका 6 मंथ का प्लेसमेंट ड्यूरेशन होता है उनका पूरा वो दिया था। तो मतलब आपको बेसिकली प्लेसमेंट में भी उन्होंने हेल्प करा जो अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, जो अभी मेरा हुआ मेनली मैं ओडिन को ही थैंक्स बोलूंगा उसमें, क्योंकि मेरे लिए तो ईजी नहीं था क्योंकि मेरा रिज्यूमे पहले राउंड में बाहर निकाल देंगे अगर मैं भेजूंगा कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से। नाइस। तो मतलब एंड तक मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जब आपने ये पढ़ाई करी प्रिपरेशन करा तो एंड तक जाके आपका एक बहुत सॉलिड रिज्यूमे भी बन गया था, राइट? हाँ जी, ये तो सही बात है, क्योंकि उसमें ये कहूँगा कि अगर ओडिन ना हो तो रिज्यूमे बनता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तीसरे स्टार्टिंग डे से हमको ये फोर्स कर दिया कि आपको गिट यूज़ करना पड़ेगा, आपको हर एक प्रोजेक्ट और असाइनमेंट पोस्ट करना ही पड़ेगा। तो मतलब आपको एक आदत बना रहे हैं, हैबिट बना रहे हैं वो, मतलब हर एक मॉड्यूल वाइज था, तो मॉड्यूल में आपको लाइक एवरी वीक और 2 वीक वो कुछ असाइनमेंट देते ही थे करना है। तो उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि ये प्रोजेक्ट अगर आप ये करोगे तभी आप आगे जाओगे। मैंने ये भी सही है, मतलब मेरे से हो पाएगा तो पहले ही पता लग जाएगा कि फर्स्ट मंथ पर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उससे बहुत स्लो कोर्स हुआ, लेकिन वो एक आदत बन जाती है ना, जैसे अगर आप गलती से आपके मुँह में खून लग गया शेर के मुँह में तो आपने लगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट तो कर ही लिया, तो कुछ अपने से करके देखते हैं जाके। तो आपके पास उन्होंने कैगल बताया था कि कैगल भी जाके देखो, तो कैगल तो एक पूरा समुंदर है जिसमें आप डुबकी लगा लो एक बार तो करते ही जाओगे, क्योंकि वहाँ आप और लोगों का काम देखते हो। उसमें था कैगल में पहली बार गया कि लोगों ने मेरे लाइक किया, तो कुछ एक दो लोग वो काफ़ी हायर लेवल के रैंकिंग के लोग थे, उन्होंने भी लाइक किया, तो लगा कि अरे कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो होगा उसको ही पसंद आया। तो उसके बाद ओडिन ने ये किया कि मतलब तुम इतना मत बहोगे कि तुम उनके डिजाइनिंग में चले जाओ, पहले तुम बेसिक ही मजबूत करो साथ में। तो उन्होंने वहाँ पे उस दूसरी साइड फोर्स किया कि नहीं तुम्हें फंडामेंटल रूल फॉलो करने पड़ेंगे, कोडिंग सिर्फ ये नहीं कि जब कोड कर दिया और छोड़ दिया उसकी नेमिंग कन्वेंशन पूरा डॉक्यूमेंटेशन करो, मतलब क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक चीज़ है ना जिसमें हर कोई भागता है, चलो कोड कर दिया प्रोजेक्ट बना दिया छोड़ दो, क्योंकि जो कंपनी में जब कोई आएगा देखने तो वो कहेगा कि मतलब ये तो कोई रैंडम सा तुमने कोड चिप कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया और तुमने करके रख दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक पूरे प्रॉपर वे करो उसको अच्छे से, तुम जो कर रहे हो समझो पहले कर क्यों रहे हो, ये नहीं कि कुछ रैंडम से कर रहे हो। क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जब इंटरव्यूज हो रहे थे क्योंकि वो जानते नहीं थे मैंने क्या किया, मतलब मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो किसी को कन्विंस करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो मैंने करा है तो आप उसी से दिखा सकते हो कि अरे मैंने ये करा है देख लो आप। तो उनका जैसे मिनी कैपस्टोन थे, मतलब मिनी कैपस्टोन पिस्टन हो जाए आपको, मतलब दिखा पा रहे हो कि अपनी काबिलियत की मैंने ये चीज़ कर सकता हूँ, मैंने ये करी है, आपको पसंद है तो आप देख सकते हो कि ये जिस तरह आप किसी मार्केट में कुछ बेचने जा रहे हो तो आप दिखा रहे हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है। तो मेरा मतलब ये था कि वो मतलब एक पूरा प्रॉपर वे था कि जिसमें उसमें दिखाया, और ये रिज्यूमे में तो ये था कि आपको, क्योंकि रिज्यूमे कोई भी रिज्यूमे अगर उसमें आप ये मेंशन नहीं करोगे आपने, आप मेरे में एक्सपीरियंस तो था नहीं क्योंकि फ्रेशर आ रहा था, तो क्या चीज़ मैं मेंशन कर सकता था कि प्रोजेक्ट मैंने करे हैं। और उसके बाद ऑडियंस से बाहर मैंने फोर्स किया कि आप जाओ सर्टिफिकेशन लेके आओ, जैसे हैकर रैंक पे जाओ आप वहाँ को सर्टिफाई करो अपने आप को, या कोई ऐसे कोड बेसिक हो गया या कोड अकेडमी हो गया, क्योंकि वो किसी उससे बाइंड नहीं है, वो इंडिविजुअली कोई जाएगा अगर अच्छा इतने वही और भी काम करा हुआ है, ये नहीं कि वो इंडिविजुअली कुछ फेक करके दिखा रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा से थोड़ा दिखाया रिज्यूमे, तो मुझे आपको एक दो मैंने याद है मेरे को, एक एनालिटिकल विद्या में एक जॉबेथॉन करता है, तो मैंने उसमें चलो मैंने कुछ सीख तो लिया इससे ही पार्टिसिपेट करके देख लेते हैं हिम्मत उठा के, तो उसने भी मेरा प्राइवेट लीडर बोर्ड 25th रैंक आ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, चलो इसको भी रिज्यूमे में दिखाई देंगे छोटी सी अचीवमेंट। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आपके बात से समझ में आ रहा है कि आप कोर्स तो कर ही रहे हो बट साथ ही साथ आप खुद भी बहुत एफर्ट डाल रहे हो बाहर से भी चीज़ें करने का, कि यार मैं हैकाथॉन में पार्ट ले लेता हूँ, मैं ये एक और प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, या इस तरीके से अपने रिज्यूमे को और पॉलिश कर लेता हूँ। हाँ ये सही है, क्योंकि अब अकेला कुछ भी ज्वाइन कर लो तो बस वास्तव में कोई आपको अंदर बैठ के दिमाग में डाल नहीं देगा कि अरे ये इस तरह करना तो मोहरा हो ही जाएगा,
तो मैं अब क्योंकि यहाँ पे नेचुरल इंटरेस्ट है, अगर आप इस फील्ड में क्यों आए थे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि ये तब काम आएगा क्योंकि जब आपका कोई कोड सॉल्व नहीं हो पा रहा हो, आप सोच रहे हो अरे यार एक दो दिन, क्योंकि कई बार तो एक मिनट में हो जाएगा, कई बार आप दो दिन से सोच रहे होगे अरे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो अब छोड़ ही देता हूँ क्योंकि आसान मेरा मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि हमारे साथ काफ़ी और लोग भी थे, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग थे बूट कैंप में, उन कई लोग तो छोड़ के गए भी और कई लोग रह भी गए, ये भी होता है क्योंकि एंड लास्ट क्योंकि ऑडियंस तो अपनी साइड से मोटिवेट कर रहे हैं करो, लेकिन करना तुम्हें है अपने आप में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो ऑडियंस क्या मुझे लगता है कोई भी कहीं भी जाओगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन तो चाहिए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इंटरव्यू तक पहुँचा देगा लेकिन उसमें क्या बोलने वाले हो, क्या नॉलेज होगी, क्या किस तरह का प्रोजेक्ट कर सकते हो आप, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है शायद से। सही है, सही है, बढ़िया। चलो इंटरव्यूज के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बात करते हैं। आपका खुद एक गैप ईयर रहा है, लाइक कितने साल का आपका गैप ईयर था? 3 to 4 years गैप ईयर। 3 to 4 years, तो जब आप इंटरव्यू में जाते होगे तो आपसे इंटरव्यूअर ने कभी ये नहीं पूछा लाइक कि 3 से 4 साल गैप क्यों रहा है, ना आपने उसको कैसे जस्टिफाई किया? इंटरव्यूज ने बेसिकली ट्राई किया था पूछने का, लेकिन अधिकतर इंटरव्यूज में मेंशन नहीं किया कि आपका गैप ईयर है या नहीं है, मतलब काफ़ी कम लोगों ने पूछा कि गैप ईयर है या नहीं है, क्योंकि जब वो रिज्यूमे सेलेक्ट करते हैं मेरे ख्याल से तभी वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको आगे लाना या नहीं लाना, अगर वो लाना होता तो ले ही लेते हैं। उसके बाद हाँ वो जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं, तो मेन मैंने यही कहा कि मतलब बोला कि कुछ सीख रहा था, ट्राई किया और उसके बाद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेनली बेसिक उनका यह था कि स्किल बेसिक था उनका कि आपको ये आता या नहीं आता, क्योंकि आप वो आप पहले आपका स्किल टेस्ट ले लेते हैं मैक्सिमम लोग, उसके बाद उनका टेक्निकल राउंड होता है, तो वहाँ उन्होंने इतना गैप ईयर पे फोकस नहीं था, लेकिन उनका फोकस था मेरे बैकग्राउंड के ऊपर, उनको ये बिलीव दिलाना कि मैं दोबारा डोमेन चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि आपने एक बार बायोलॉजी से UPSC किया तो उन्होंने काफ़ी लोगों को ये था कि आप दोबारा डोमेन चेंज कर लोगे अगर आपका मूड चेंज हो गया तो मेरा मतलब ये बिलीव दिलाना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, ये नहीं कि आपने कैसे बिलीव दिलाई, बस ADQ में जिस करंट कंपनी में उनको मैं दिलवा पाया बिलीव, बाकियों में नहीं दिलवा पाया तो उन्होंने। टोटल कितने इंटरव्यूज दिए थे? बेसिकली 4 to 5 इंटरव्यूज आए गए। 4 to 5 दिए थे, एंड इसमें से आपने ये वाली क्रैक करी। जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते थे तो एज ए डेटा साइंटिस्ट आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में काफ़ी वेरी करते हैं कि 3 to 4 इंटरव्यूज मैंने दिए थे, कई बेसिकली डिपेंड करता है, कई लोग आपको पावर बी आई बेस मान लेंगे, वो मेंशन करेंगे कि आप डेटा साइंस हो, लेकिन कई लोग पावर बी आई पूछना शुरू कर देंगे, तो कोई PySpark पे आ जाएगा। इस वन में मेरा स्पेसिफिक ये था कि आपको ML, उन्होंने पूछा ML क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स आपके पास हैं इनके लिए, पाइथन की बेसिक कोडिंग करवा के देखेंगे, SQL की मतलब SQL के कितने टाइप्स हैं, जॉइंस कौन से हैं, कौन सी क्यूरीज हैं, बेसिक 3 to 4 क्यूरीज आए थे, मुझे लगता है कि इंटरव्यू के हर इंटरव्यू में पूछता ही है आपको, फाइंडिंग मैनेजर नेम और फाइंडिंग एम्प्लॉय टेबल और टेस्टिंग, और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लाइक ये इगन वेक्टर्स क्या होते हैं या इगन वैल्यूज़ क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स मेरा मेनली मैंने पहले बोल दिया था कि मैं स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही था मेरे लिए, पी वैल्यूज क्या होती है, बेसिकली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैक्सिमम, तो मतलब वेरिड था, मतलब आपको डेटा साइंस की हर फील्ड को टच कर लेंगे, SQL, पाइथन, ML, डीप लर्निंग बेसिकली आजकल काफ़ी डिमांड में है, तो आपसे OpenCV और मतलब मेनली आपसे पूछ लेंगे इमेज सेगमेंटेशन आपने करी है नहीं करी है, या आप कोई डिटेक्शन हो, अगर आपका कोई प्री आपने प्रोजेक्ट करें या नहीं करें, मुझे लगता है प्रोजेक्ट काफ़ी मैटर करते हैं, क्योंकि वो आपको रियल आप दिखा पाते हो कि मैंने ये करा था इस पेज पे, तो मेरे से काफ़ी इंटरव्यू में यही मेंशन किया था कि ऐसा आपको ये आता है तो आपने कुछ करा है या पहले या नहीं करा, तो आप दिखाइए क्या करा है, तो मेरे लिए यही मेन। आपने किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, लाइक कुछ एग्जांपल दिखाओ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे? मैंने बेसिकली पाइथन में अगर ऐसे डेटा साइंस की बात करें तो एक तो होगा कि आपने EDA रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गया, मतलब अपडेट, क्योंकि हमें पता नहीं था कि डेटा साइंस में जाना है, तो हमने अरे हर चीज़ की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो डेटा एनालिसिस की भी करनी पड़ी थी, विजुलाइजेशन इंजीनियर यानी कि पावर BI की भी करनी पड़ी थी, और ML की तो करनी पड़ती है, एनालिस्ट सबका गोल यही है डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंस में आने का, तो मेरे एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था लाइक ओलंपिक्स के ऊपर था बेसिकली, उसमें हमें प्रेडिक्ट करना था कि ओलंपिक्स गेम कैसे होंगे, तो कितना मेडल्स मेरे एनालिसिस पर्पस था, तो हम इसमें SQL और PySpark तीनों मर्ज कर दिए थे, वैसे SQL, PySpark और EDA को, और एक और में हमने नई फेस डिटेक्शन यूज़ किया था कोविड में, बेसिकली सब लोग जान रहे थे कोविड में फेस मास्क पहना या नहीं पहना, तो बेसिकली यूजिंग डीप लर्निंग ऑन दैट माइक मास्क डिटेक्शन ऑफ सिम मास्क डिटेक्शन ऑन नहीं, और तो और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए थे बेसिकली, तो थैंक्स टू इसमें ऑडिन का यह भी है कि उन्होंने फोर्स करा था कि हमको प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा, हर एक मॉड्यूल के बाद उनका यह था कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है आपको,
उसके बाद आपको गिटअप में पुश करना है। उसी आदत ने, गिटअप में पुश आदत ने मेरे को लगभग 60 to 70 रिपोजिटरीज मैंने बना दी थी गिटअप में, और उसके साथ में कैगल से भी मैं काम करता ही रहा। मतलब एक आदत से मैं बन जाती है ना आपकी अब। मतलब लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लग रही है मोहित, कि आपके बातों से ये चीज़ समझ में आ रही है कि मतलब 6 महीने के अंदर आपने पूरा काया पलट कर दिया। लाइक अभी आप जैसे बात कर रहे हो, अगर कोई आपसे नॉर्मली बात करे तो शायद उसको पता भी नहीं चले कि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो ये चीज़ मतलब बीच में कभी आप जब प्रिपेयर भी कर रहे थे या ऑलरेडी आप कहीं पास में थे जहां आपको लगा था कि आप फेल हो चुके हो, आप जो चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, तो इन चीज़ों के वजह से आपको कभी डीमोटिवेशन नहीं फील हुआ कि शायद अगर मैं ये भी नहीं कर पाया तो? मेरे ख्याल से रिवर्स साइड ज़्यादा हुआ था कि मैंने इतना एफर्ट पुट कर दिया था कि मतलब मैं स्टार्टिंग में इस तरह आया था कि मतलब हुआ या ना हुआ तो चलो देख लेते हैं, थोड़ा ले रहे हैं। लेकिन जब आप इतना एफर्ट पुट कर देते हो, जब 2-3 कंपनी डायरेक्टली आपको इस तरह रिजेक्ट कर देगी, आपका बैकग्राउंड ही कुछ हो रहा है, हम नहीं ले पाएंगे, तो नेचुरल है कि आप डिमोटिवेट हो गई। और इन द प्रोसेस मेरे साथ ये हुआ था कि मतलब कि मैं कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में ये था कि पाइथन में कर रहा हूँ, और बाकी लोग तो मतलब थोड़ा आईटी बैकग्राउंड से होता है तो उनको सब पता ही है, मैं तो सेमी कोलन से लेकर छोटा सा कोमा क्यों है मुझे तो ये भी पूछना ही था। नेचुरल इंटरेस्टिंग पर्सन हो तो मुझे ये भी जानना है कि ये भी कई बार इसे मतलब मैं तो इरीटेट करने तक ले जाता हूँ लोगों को कि ये भी मुझे बता ही दो क्या है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। तो मतलब हाँ, लेकिन बाद में यह सब चीज़ें डिमोटिवेट करती है, लेकिन जब आपका आप मुझे सोचते रहते हो कि सच में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ माइंड ये रहता है ना कि मेरे पास मेरी फील्ड तो है ही पड़ी, वो इजिएस्ट ऑप्शन है जाने के लिए। मैंने एक डिफिकल्ट ऑप्शन चूज किया जिसमें पता भी नहीं कि होगा या नहीं होगा, फिर लेकिन लगता है कि चलो एक कोशिश और करते हैं, मज़ा ही तो आ ही रहा है ना, कुछ सीख तो रहे हैं बाद में। उसके बाद लेकिन हाँ, लेकिन इंटरव्यू में मुझे चलो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया ना मुझे, जब मुझे रिजेक्ट करा कि बैकग्राउंड से, लेकिन आपको पता था उन्हें कि मुझे आता है सब चीज़ें, तो मुझे लगा कि चलो एक ना एक दिन तो सक्सेस मिल ही जाएगी। सही बात है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के ही कि मतलब कहाँ थे और अभी कहाँ पे हो। पर चलो इस पर एक चीज़ और बोलती हूँ, क्योंकि अब आप डेटा साइंटिस्ट एस्पायर करना चाहते थे और डेटा साइंटिस्ट बन भी चुके हो, तो आपके अकॉर्डिंग किन लोगों को एज अ प्रोफेशन डेटा साइंटिस्ट चूज करना चाहिए? हाँ, काफ़ी मेरे लिए मतलब मैं भी इस उसमें होने के लोगों को बता सकूँ कि मैं खुद ही न्यू एंट्रेंट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी जो ऐसा हो उसे एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, क्योंकि डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे क्योंकि टेक्नोलॉजी हर डे नहीं आ रही है, क्योंकि तो जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मुझे डेवोप और इसी मुझे पता भी नहीं था, लेकिन पता लगा कि डेवोप है, अब तो क्लाउड भी आ गया, इतना सारा डेटा इंजीनियरिंग अब बजवर्ड बन गया डेटा साइंस की जगह। तो मतलब अगर आपको नेचुरल इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे सीखने में मज़ा आता है, रोज़ नई टेक्नोलॉजी मुझे मज़ा आएगा, और आपका एक्सप्लोरर और ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छे हैं, क्योंकि डेटा तो पूरा यही है कि आप कितना जल्दी ऑब्जर्व करवाओगे चीज़ों को, लगता है मतलब ये तो हर एक चीज़ में मिलती है, किसी भी आईटी हो या नॉन आईटी हो, अगर आप में स्किल तो ऑब्जर्व है, क्रिएटिव पीपल में भी एग्जिस्ट करता है, कोई अलग अलग आर्ट्स बैकग्राउंड से आए, क्योंकि तो आउटसाइड मैंने देखा था यूएस में, यहाँ यूके की साइड में मतलब काफ़ी लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या लिंक्डइन में मैंने जब चेक किया उनकी प्रोफाइल तो लाइक काफ़ी बड़ी पोजिशन पर थे वो लोग, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि वहाँ से आप मैथ अच्छा होता है। डेटा साइंस एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ आपको डोमेन नॉलेज चाहिए एंड लास्ट में सक्सेस होने के लिए, मुझे लगता है हो सकता है। क्या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कोडिंग प्री रिक्विजिट है? आपको कोडिंग आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम आना चाहिए, ये चीज़ें प्री रिक्विजिट है? हाँ, तो मेरे साथ क्या हो रहा, स्टार्टिंग में जैसे यूट्यूब पे देख रहा था, हालांकि क्योंकि मुझे डेटा साइंस के इंटरव्यूज नहीं देखा था, मैं देख रहा था आईटी वाले इंटरव्यूज बेसिकली, तो वहाँ पे सब लोग डीएसए बोल रहे थे, क्योंकि मैं तो क्योंकि पाइथन मैंने फर्स्ट मंथ सीखा था, सेकेंड मंथ में डीएसए देखने चला गया तो मैं डर गया डीएसए क्या है, अब तो तीन मंथ में उसके जो कीवर्ड्स याद करने में टाइम लगा कि अच्छा इसका ये लिंक लिस्ट है, ये इसका ट्रीज है, इस तरह यूज़ होता है, तो पहले तो मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत हाई लेवल है, अभी इस पर नहीं जाते, तो मैंने बेसिक कोडिंग सीखी, अपना इंटरमीडिएट लेवल कोडिंग, लाइक आपको पता होना चाहिए फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, मतलब आपको लूप से कंट्रोल हो आपका, क्योंकि कोडिंग आपको मैं ये नहीं बोलूँगा चाहिए नहीं, लेकिन आपको चाहिए पड़ेगी अब आप प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो डेटा को, या आप कोई ML एल्गोरिथम कर रहे होगे, या कोई विजुअलाइजेशन का वो करनी होगी, क्योंकि आपको लाइब्रेरीज मिल जाएंगे लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है, जब क्योंकि फर्स्ट डे मैंने कंपनी में एंटर किया था तो मुझे लगा कि यहाँ लाइब्रेरी की भी एक लिमिट है, उनको कुछ भी चाहिए होगा तो उनको देना, तो वहाँ तो आपको प्रोग्रामिंग इंटरमीडिएट लेवल की चाहिए होगी, ये नहीं कि डीएसए तो कोई नहीं पूछता मुझे लगता है डेटा साइंस के इंटरव्यू में। हाँ,
नाइस 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 यार, काफ़ी मज़ा आया मोहित मुझे आपसे बात करके। एक चीज़ जो मैं एंड में आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट रहा है, आप खुद एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से रहे हो, गैप ईयर रहा है एंड स्टिल अभी आप आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो एंड वो भी इतने अच्छे पैकेज और इतने अच्छे पोजिशन पे, तो आप फ्रेशर्स या वर्किंग प्रोफेशनल जो भी अपना डोमेन स्विच करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरा तो ये होगा, आप कर रहे हो तो पहले से दिमाग माइंड बना के आओगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि आपका होगा या नहीं होगा, तो बात की बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो मतलब आपके लिए रास्ता है, क्योंकि आपको इतना कुछ ऑप्शन मिलता है कि आप इतना कुछ सीख रहे हो शॉर्ट टाइम डेटा साइंस, और फ्यूचर तो AI है पढ़ा, कितना भी मना कर ले कि 1990 में लोगों ने कंप्यूटर्स को बोला कि मना किया कंप्यूटर्स नहीं आएंगे, लेकिन सब ने देखा कि किस तरह कंप्यूटर्स ने अब कैप्चर ही कर लिया हुआ। AI में लगता है कि ChatGPT, Bard और जो सब कुछ आ रहा है, तो मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई सीखना चाहेगा कम से कम, मतलब आप नॉर्मल आपस में बात करें तो भी सीखेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है कि IT कॉलेज तो मुझे लगता है और इजी है, क्योंकि उनको पहले से पाइथन आता है, तो उनको थोड़ा स्टैट्स सीखना पड़ेगा, और जो नॉन IT से हमको लगता है कि उनको क्रिएटिविटी वाली साइड, कलर्स कॉम्बिनेशन, और क्योंकि पावर बी भी एक ऑप्शन एग्जिस्ट रहता है विजुलाइजेशन के लिए आपका, और उनके लाइक मुझे लगता है कि जो ऐसे साइंस है तो उनका मैथ पहले से ही अच्छा होगा, तो उनको सिर्फ पाइथन सीखनी पड़ेगी। दोनों साइड से ऑप्शन है कि उनको थोड़ा स्टैट्स सीखना है, उनको थोड़ा लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन बाकी तो इंटरेस्ट हो तो आप आ ही सकते हैं इस फील्ड में, कि ऐसा है कि आपको निराश करके तो नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे लाइफ में, अपने लिए कुछ कर लो नहीं तो बैठे बैठे। सो गाइज, आप में से जो लोग भी ओडिन स्कूल का कोर्स चेक करना चाहते हो जो मोहित ने किया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप जाओ डायरेक्टली जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।